ये देखें, ये बड़े का गोश है जो मैंने बनाया था, तो मैंने ज़्यादा ही बनाया था। मैंने सोचा था कि बहुत दिन हो गए हमने हलीम नहीं बनाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज इसका बड़े के गोश का हलीम बनाया जाए। तो उसके लिए ये पूरा मैंने इसे तैयार कर लिया, जिस तरह से हम कोरमा बनाते हैं उसी तरीके से ये बना हुआ है। ये देखें कितने अच्छे से गल चुका है, इसको आप देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से ये गल चुका है। तो हलीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चने की दाल और गेहूं को सुबह भिगोकर रख दिया था। तो ये देखें कुछ अच्छे तरीके से ये भीग चुके हैं। उससे क्या होता है कि जब ये अच्छे से भीग जाएंगे तो ये गलने में आसानी रहेगी, नहीं तो गेहूं और चने की दाल बहुत देर से गलती है, कम सीटी में ही अच्छी गल जाएगी। ये हमारी तुअर दाल है, इसे भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और यहाँ मेरे लिए हुए हैं टमाटर और हरी मिर्च, और हरी मिर्च इन्हें भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और पानी डाल दूंगी इसमें, और थोड़ा सा नमक डाल के इसमें मैं सीटी लगा दूंगी। हमें 5 से 6 इसमें सीटी देना है, ताकि उससे क्या होगा ना कि ये जो हमारे गेहूं, तुअर की दाल और चना दाल, ये बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएंगी। इन्हें हमें बहुत अच्छे से मैश करना है के दानेदार ना रहे, तो हलीम जो है बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होगा। चलिए लगा देते हैं इसमें सीटी, इसमें मैं 5 से 6 सीटी आने दूंगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुछ और दालें, ये मसूर दाल है, मूंग की दाल और ये माश की दाल। इन्हें पहले मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, साफ़ करने के बाद इन्हें अच्छे से साफ़ पानी से 1-2 बार वॉश कर लेंगे। आप जब भी दालों को यूज़ करें, मार्केट की दालें होती हैं तो उन्हें वॉश करने के बाद ही यूज़ करें। अब इन सभी दालों को भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और जो गोश्त था जो मैंने बनाया हुआ था उसकी बोटियों के मैंने रेशे रेशे कर लिए हैं, हड्डियों को इससे साफ़ कर दिया है। और रेशे करने के बाद इस गोश्त को भी मैं इसमें मिला दूंगी। कुछ मसाले हैं, लाल मिर्च, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक। अब इसमें मैं 5 से 6 सीटी और आने दूंगी। ये देखें जब मैंने कुकर को खोला तो इस तरीके से ये पूरा हमारा अच्छे से गल चुकी हैं सारी दालें और गोश्त। अब इसे मुझे 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से घोटना होगा, जिससे हलीम का जो जायका है ये सबसे ज़्यादा, इसको हम जो बराबरी से चम्मच चलाते रहेंगे, लाइक उसे घोटना भी बोलते हैं, तो उसी से हमारे हलीम में मज़ा आने वाला है। जब ये अच्छे से बन जाएगा तो इसका हम बघार कर देंगे। तेल गरम करने मैंने रख दिया है, तेल जैसे ही गरम होता है प्याज को मैंने काट के इसमें डाल दिया। मैं कम ही प्याज ले रही हूँ, यहाँ मैंने 1 से 2 प्याज ली हैं, और इन्हें गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और हमारा जो हलीम है ये बहुत ही अच्छे से घुट चुका है, ये देखें इसमें मैंने डाल दिया है ये बघार प्याज का। ऊपर से आप कोथमीर पुदीने से अच्छे से गार्निशिंग कर सकते हैं, और आप इसे चाहें गरम मसाला, ज़ीरा मन पाउडर, या फिर आप इसे नींबू प्याज, जैसे आप चाहें वैसे आप इसे सर्व करें, और ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी बहुत ही इजी है। जब भी आपका दिल करे तो इस तरीके का हलीम, खिचड़ा, जो भी आप बोलते हो वो बनाएं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।